बड़ी खबर रीवा जिले के गढ़ क्षेत्र से आ रही है, जहां जिला पुलिस बल रीवा द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग रीवा के सहयोग से पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर एथलेटिक्स एवं फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन श्रीमान पुलिस अधीक्षक रीवा श्री नवनीत भसीन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा श्री शिव कुमार वर्मा के निर्देशानुसार संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी रीवा एम के धौलपुरी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनगवा शैलेंद्र शर्मा, थाना प्रभारी गढ़ शिवचरण टेकम के संरक्षण में एथलेटिक्स एवं फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ खेल के मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद को 2 मिनट का मौन रखकर सच्ची श्रद्धांजलि दी गई, तत्पश्चात राष्ट्रगान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शीतला प्रसाद तिवारी, जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता थाना प्रभारी गढ़ शिवचरण टेकाम, विशिष्ट अतिथि एस के शर्मा कीड़ा प्रभारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ की उपस्थिति में संपन्न किया गया। इस अवसर पर संचालन विकास कुमार सोनी, ब्लॉक युवा सामान्य व खेल एवं युवा कल्याण विभाग विकासखंड गंगेव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पीएल साकेत, पंकज श्रीवास्तव, शैलेंद्र गुप्ता, नरेंद्र गुप्ता, भूतपूर्व सैनिक सौरभ त्रिपाठी, शिवम सिंह, प्रमोद तिवारी, कृष्णा शर्मा, रोहित विश्वकर्मा, आदर्श द्विवेदी, विजय मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार, फुटबॉल विजेता गगेव टीम, उप विजेता गढ़ एथलेटिक्स। प्रतियोगिता में 3 किलोमीटर दौड़ बालक वर्ग में दीपक कुशवाहा प्रथम, रोहित यादव द्वितीय, रामसागर तिवारी तृतीय, 1500 मीटर दौड़ बालक आदर्श तिवारी, अजय से नीलेश यादव तृतीय, 800 मीटर दौड़ में आगे रहे।